नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों, अभी आ रहा है 31 मार्च 2020। तो दोस्तों, ये होगी डेट आपकी इनकम टैक्स फाइल करने की। इन केस अगर आपने नहीं किया है तो ऑफ कोर्स डेट एक्सटेंड होती रहती है, बट अगर अभी तक आपने कोई टैक्स सेविंग स्कीम में या फिर टैक्स सेव कैसे करना है उसको नहीं प्लान किया है, तो फिर आई थिंक इट इज़ द हाई टाइम व्हेन यू शुड प्लान फॉर इट। और अभी भी अगर आप जो मैं अभी आगे आने वाली टेक्निक आपको बताने वाला हूँ, अगर आप वो करते हैं तो भी आप टैक्स बचा के ले जाएंगे। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि 10 लाख रुपये तक का अगर आपकी इनकम है तो 10 लाख रुपये तक का आप सिर्फ 0 टैक्स देंगे। दोस्तों, अगर आप अभी भी टैक्स दे रहे हैं 10 लाख कमाने 10 लाख के अंदर कमाने होने के बावजूद भी आप अगर आप इफ यू आर गिविंग टैक्स देन दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, जबरदस्त प्रेजेंटेशन है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा टैक्स स्लैब के बारे में। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो जनरल कैटेगरी हैं उनका टैक्स स्लैब स्टार्ट होता है 2.5 लाख रुपए के ऑनवर्ड्स। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 5 लाख तक, 3 लाख तक टोटली एग्जेम्प्ट है, और उसके बाद 3 लाख से 5 लाख एग्जेम्प्ट है वेरी सीनियर सिटीजन जो कि हैं 80 साल से ऊपर। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ 10 लाख तक आपको पूरा का पूरा एग्जेम्प्शन है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि आपको छूट कहाँ कहाँ पर मिलती है। दोस्तों, आपको छूट मिलती है सेक्शन 87A में, जिसमें अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक की है तो आपका जो टैक्स बनता है 3 लाख रुपए तक की इनकम पे वो बनता है 2,500 रुपए। और गवर्नमेंट के प्रोविजन के हिसाब से 87A के तहत आप पूरे के पूरे 2,500 रुपए पे रिबेट ले सकते हैं। तो आपको कितना टैक्स देना पड़ता है, इफेक्टिवली 0 टैक्स। तो 3 लाख रुपए तक की आपकी तनख्वाह है तो आपको 2,500 रुपए टैक्स बनता है, 2,500 रुपए की पूरी छूट है, उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। परंतु अगर अभी जो रिसेंटली जो 1920 का बजट आया था, आपको विश्वास या आपके जानकर के खुशी होगी कि गवर्नमेंट के न्यू नॉर्म्स के हिसाब से आपको 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना। क्यों? क्योंकि 5 लाख रुपए तक आपके ऊपर जो टैक्स बनता था वो बनता था 12,500 रुपए। वो पूरा का पूरा आपका रिबेट में निकल जाता है अंडर 87A। तो ऑफ कोर्स आपके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो है 0 रुपीज टिल द टाइम यू आर अर्निंग 5 लाख। 5 लाख रुपए तक की आपकी तनख्वाह है तो आपको 0 टैक्स देना है। लेकिन आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, अगर आपके ऊपर 0 टैक्स भी आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ITR फाइल नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको ITR फाइल करना है। ITR फाइल करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, उनमें से एक मैं आपको बताता हूँ। कल खुदा ना खास्ता आपको कहीं पर ज़रूरत पड़ती है लोन लेने की, या फिर कहीं पर आपके पास अचानक से कैश आ जाता है, सपोज़ 20-30 लाख रुपए कैश आ गया और आपको उसको शो करना है कि आपके पास कैश कहाँ से आया, और वो अगर आपके पास लीगल मनी है, आपने कोई कोई ट्रांजैक्शन कराया जिसमें आपके पास लीगल मनी कैश में आ गई, तो दोस्तों उसको सिर्फ आप ITR के थ्रू ही पे प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि आप 5 लाख रुपए तो हर साल कमाते ही हैं ना, वो आप ITR पे शो कर रहे हैं, तो अगले आने वाले 10 सालों में कम से कम आपने 50 लाख रुपए तो कमा ही लिया। तो अगर आपने 50 लाख रुपए कमा लिया तो ऑफकोर्स आपके पास अगर 30 लाख रुपए कहीं से कैश है तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 10 साल में 50 लाख रुपए कमाया है। तो आपके पास आपको इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आपकी जो लायबिलिटी टैक्स ही बन रही हो ज़ीरो हो। तो दोस्तों, ये तो हुई 5 लाख की बात। 5 लाख तक आपके अगर आपकी तनख्वाह है, अगर आपकी इनकम है, तो फिर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर आपका ऊपर 5 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आप कैसे टैक्स बचाएंगे, उसका भी मैं आपको पूरे की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियो कम्प्लीटली। तो दोस्तों, जो भी गवर्नमेंट ने भी प्रावधान निकाले थे 10 लाख रुपए तक की इनकम सेविंग, जिनकी इनकम है उनको 0 टैक्स पड़ेगा उनके ऊपर, वो गवर्नमेंट की स्कीम थी सीनियर सिटीजन्स के। लेकिन आपके अगर आप सोच रहे हैं कि आप अगर नॉर्मल सिटीजन हैं तो आपके लोग आप कैसे अपनी इनकम टैक्स बचाएंगे, तो भी 10 लाख से जस्ट थोड़ा सा कम 9,75,000 तक की इनकम पर आपको 0 टैक्स देना है। दोस्तों, अगर आपकी इनकम 9,75,000 है तो कैसे आप सेव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, 5 लाख रुपए को तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि गवर्नमेंट के हिसाब से 5 लाख रुपए तक आप ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड हैं। परंतु आपको करना क्या है, आपको ITR पक्का फाइल करना है। उसमें 87A के अंतर्गत आपका जो भी रिबेट बनता है वो 100% टैक्स फ्री है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। नाउ कमिंग ऑन टू, अगर आप उससे ज्यादा बनती है तनख्वाह तो आपको मालूम होना चाहिए अंडर सेक्शन 16(1)(a) आपको 50,000 रुपए की छूट मिलती है, जो कि पहले थी 40,000, और गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल जो बजट था यूनियन बजट
बजट उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर का डिक्लेरेशन था उसमें बढ़ा करके 40,000 से 50,000 कर दी गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा करके 40,000 से 50,000 कर दिया गया, तो 50,000 रुपये ये डिडक्ट हुए। अंडर सेक्शन 80C आप 1.5 लाख रुपए की छूट ले सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या क्या आता है दोस्तों, इसमें कई सारी स्कीम्स आती हैं जिसको मैं आगे बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ऐसा कोई भी मुझे लगता है सिटीजन नहीं है जो कि इस छूट को छोड़ता है। अगर आप छोड़ रहे हैं दोस्तों तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपने लिए। तो प्लीज़ 80C के अंडर की डिडक्शन 1,50,000 की मिलती है। वो किस तरह से मिलती है इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। एक तो आप इसके 1.5 लाख रुपए की छूट ले सकते हैं। कमिंग ऑन टू होम लोन अंडर सेक्शन 24 ब्रावो, अगर आप होम लोन में आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो आपकी टोटल जो इंटरेस्ट है वो 2 लाख रुपए तक, अगर आपकी इंटरेस्ट सपोज़ आपकी साल में 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट आप पे करते हो होम लोन पे, तो उसमें से 2 लाख रुपए आपके डिडक्ट हो जाएंगे जो कि आपके आपकी जो इनकम है उससे हटा दिए जाएंगे और 2 लाख रुपए की आपको छूट मिलेगी। एंड इसके अलावा दोस्तों जो नेशनल पेंशन सिस्टम है दोस्तों, ये भी एक जबरदस्त स्कीम है दोस्तों। इसका भी मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ था, लिंक में डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में आ जाकर इसको देख सकते हैं। एनपीएस के द्वारा जो कि अंडर सेक्शन 80CCD आपको 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, बेसिकली एक्स्ट्रा छूट मिलता है जो कि आप अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस प्लान प्रीमियम दोस्तों, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है उसमें भी आपको बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस आम के आम गुठलियों के दाने दाम है दोस्तों। पहली चीज़ तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हो जाती है, आपके ऊपर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपकी हेल्थ इंश्योर्ड है, आपके मेडिकल एक्सपेंडिचर आपके बिल्स इंश्योर्ड हैं, दैट इज़ नंबर वन। नंबर टू, आपको उसमें आपकी जो अर्निंग है उससे आपको 25,000 रुपये का स्ट्रेट आपको डिडक्शन मिलता है जो कि नॉर्मल सिटीजन्स के लिए है, सीनियर सिटीजन्स के लिए बढ़ के हो जाता है 50,000 रुपये। सो दोस्तों नॉर्मल सिटीजन के लिए आपको मिलती है 4,75,000 की छूट, जबकि सीनियर सिटीजन को मिलती है टोटल 5 लाख की छूट ओवर एंड अबव दैट विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इसके ऊपर आपको 5 लाख की छूट मिलती है। तो जो नॉर्मल सिटीजन है, नॉर्मल सिटीजन को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता 9,75,000 रुपये की इनकम तक। और वहीं पर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो सीनियर सिटीजन के लिए भी अंडर सेक्शन 1 अल्फा 50,000 रुपए, उसके अलावा अर्लियर 40,000 रुपए, अभी 50,000 रुपए हो गया है। डिडक्शन जो मिलते हैं 80C के अंतर्गत वो मिलते हैं 1,50,000 रुपए जो कि सबके लिए सेम है। होम लोन में अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं एज अ सीनियर सिटीजन तो 2 लाख रुपए की छूट उधर। एनपीएस में आप इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों तो 50,000 रुपए की छूट। और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जिसमें कि नॉर्मल सिटीजन को मिलती है 25,000 रुपए पे छूट, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको मिलती है 50,000 की छूट, टोटल मिलकर 5 लाख रुपए की छूट मिलती है। तो ओवरऑल अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 10 लाख रुपए तक सिर्फ 0 टैक्स देना होता है दोस्तों। मेरा मानना यह है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि एनपीएस में कौन इन्वेस्ट करता है, हेल्थ होम लोन सबके पास नहीं होता, तो दोस्तों अगर आपके पास होम लोन नहीं भी है तो भी आप प्लान कर सकते हैं, कोई छोटा सा होम लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इसको छोड़ दीजिए, इसके अलावा के बेनिफिट्स आप पक्का ही ले सकते हैं क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। अब आप पूछेंगे कि अभी तो भैया जनवरी चल रहा है, ये तो आपको मेरे को अप्रैल को बताना चाहिए था। तो दोस्तों आपको अगर मैंने अप्रैल में अपडेट नहीं किया है तो अभी जनवरी 2020 में भी आप कुछ स्टेप्स ले सकते हो जिससे कि आप अपनी टैक्स को बचा सकते हो। वो किस प्रकार से हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो अंडर 80C के अंतर्गत जो आपके छूट हैं उनको आप ले सकते हो, जिसमें कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होते हैं जिनको बोलते हैं ELSS। इसका मैंने आज ही वीडियो बनाया है, आप जा करके इसको देख सकते हैं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो और इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला है, आप जाके देख सकते हैं कैसे आप ELSS में इन्वेस्ट करके अपने 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 जो टैक्स है उसको कम कर सकते हैं, प्लस अपने रिटर्न को भी बढ़ा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट है। PF PPF में आपका जो पैसा ब्लॉक होता है वो 5 साल के लिए ब्लॉक होता है, इसमें सिर्फ लॉक इन पीरियड इज़ जस्ट 3 ईयर्स, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा रिटर्न्स बहुत ही तगड़े हैं। इसमें मिलते हैं आपको 8% के रिटर्न्स, इसमें आपको मिलते हैं 12 से 15% के रिटर्न्स जो कि आपका पैसे को ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 5 से 6 साल में कर देते हैं डबल, वो भी बिना रिस्क। अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्ट करिए, एक्सिस बैंक जैसी कंपनीज ELSS ऑफर करते हैं उसमें कर सकते हैं।
इसके अलावा ट्यूशन फ़ीस, अगर आपके जो बच्चे हैं जिनको जो आपके डिपेंडेंट हैं उनकी ट्यूशन फ़ीस अगर आपको लगता है कि उनकी ट्यूशन फ़ीस इज़ मोर देन 1.5 लाख रुपीज़, तो उसको भी आप अंडर 80C के अंतर्गत डाल सकते हैं। अगर आपने कोई भी FD करा रखी है 5 साल से ऊपर, तो उसमें भी आप 1.5 लाख रुपये का छूट ले सकते हैं अंडर 80C। इसके अलावा अगर आपने उस साल में, दैट इज़ फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में, आपने अगर कोई भी बड़ा लोन, होम लोन चुकता किया है दोस्तों, तो उस होम लोन पे भी आपको 1.5 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी अंडर 80C। दोस्तों ये जो चीज़ें हैं जनरली कोई बताता नहीं है या फिर जनरली लोगों को पता नहीं होती, लेकिन दोस्तों ये सारी की सारी बेनिफिट्स 80C के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि मैं अपना होम लोन का इंटरेस्ट अब कैसे जल्दी पे कर सकता हूँ, तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके पास ऑप्शन है, आपने होम लोन ले रखा है, तो आप अपने होम लोन की ड्यूरेशन को कम कर दीजिए। ड्यूरेशन कम करने में आपका इंटरेस्ट, होम लोन का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और इंटरेस्ट बढ़ने में आपको 2 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है अगर आपने होम लोन ले रखा है। अगर आप नहीं ले रखा तो सेकंड ऑप्शन इज NPS। NPS इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। आपको मेरा मानना यह है कि NPS आपको EEE बेनिफिट देता है। दोस्तों EEE बेनिफिट क्या होता है, उसका वीडियो मैंने पोस्ट किया हुआ है नीचे NPS का, आप जाके देख सकते हैं। NPS बहुत ही अच्छा एसेट है आपके ओल्ड एज रिटायरमेंट के लिए, सेफ एंड साउंड। तो NPS में आप इन्वेस्ट करते हैं तो 50,000 रुपये आपको यहाँ सेव होते हैं, प्लस हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लेना आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो यू कैन गो हैड, और इसको भी आप ले सकते हैं अभी भी और टैक्स सेव कर सकते हैं। टोटल एग्जम्पशन हो जाएगी 5 लाख रुपये, और 5 लाख रुपये आपको पहले ही मिल चुके हैं दोस्तों, जिसको मैंने आपको बताया 5 लाख रुपीज़ तो गवर्नमेंट की तरीके से एज इट इज़ एग्जेम्प्ट हैं। तो दोस्तों 5 लाख + 5 लाख मेक्स इट 10 लाख, जिस पे कि आपको पर देना होता है 0। मैं इनमें से दोस्तों सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करता हूँ, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कि मैं यूज़ नहीं करता, और मुझे मिलता है 9,75,000 रुपये का पूरा का पूरा छूट, जो कि मेरा नॉन टैक्सेबल है दोस्तों, और मैं अच्छा खासा पैसा अपना टैक्स से बचा लेता हूं। तो मैं चाहता हूं आप भी इसको रेप्लिकेट करें, आप भी इसको फॉलो करें और अपने टैक्स को बचाएं, और आप टैक्स बचाना भी एक सोर्स ऑफ इनकम है दोस्तों। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया। इनकेस अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज़ स्मैश द लाइक बटन एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग, क्योंकि मैं इस तरह के अच्छे वीडियो लाता रहता हूं। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच friends, bye for now।